हे गाइस, मैं हूँ चारू। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गाइस, आज मैं आपके लिए न्यू लीगल अपडेट लाई हूँ। हमारे प्रेजिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने द एपिडेमिक डिसीजेज अमेंडमेंट एक्ट 2020 को अप्रूव कर लिया है। गाइस, ये अमेंडमेंट हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वेनिस्टी 22 अप्रैल 2020 को अप्रूव की गई है। इस अमेंडमेंट के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन सिंपल इंजरी करता है हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स को, तो पनिशमेंट मिनिमम 3 मंथ और मैक्सिमम 5 ईयर्स तक इम्पोज की जा सकती है। साथ में 2 लाख रुपये तक का फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। पर ग्रीवियस इंजरी के केस में यह पनिशमेंट बढ़कर 7 साल, साथ में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। अगर किसी हेल्थ केयर वर्कर या डॉक्टर की प्रॉपर्टी डैमेज की गई हो, तो गिल्टी पर्सन विक्टिम को कंपनसेट करेगा, जो कि मार्केट वैल्यू से दोगुने दाम पर होगा जो उस प्रॉपर्टी की है। गाइस, अब इस तरह के ऑफेंसेस नॉन वेलेबल एंड कॉग्निजिबल ऑफेंस की कैटेगरी में आ गए हैं। ये मूव लेना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो गया था क्योंकि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और डॉक्टर्स पर लगातार अटैक्स हो रहे थे जो कि COVID-19 के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। इसी वजह से हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अर्जेंट लॉ की डिमांड की थी। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर जी ने भी इस ऑर्डिनेंस के बारे में यही कहा कि ये हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और अदर कोरोना वॉरियर्स को सेव करने के लिए ही लाया गया है। गाइस, इस ऑर्डिनेंस में पब्लिक और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर्स जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल वर्कर्स, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स और जो भी एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट के अंदर आते हैं शामिल हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।